हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताएंगे वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। इसमें वी लुकअप जो है आपका वर्टिकली कॉलम्स के लिए होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल आपके रोज के लिए होता है। एक्चुअली इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी इससे रिलेटेड जैसे वी लुकअप के ऊपर बहुत सारे अलग अलग वेज में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में जितना इजी हो सका हमने इसको इजी करने की कोशिश की है। आप इसे मिलते जुलते और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम आपको वी लुकअप थोड़ा सा ब्रीफली समझाएंगे। इसमें हम वी लुकअप अलग अलग वेज में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब इस वी लुकअप को हम कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू हो गया, और इसके अंदर काफ़ी अलग अलग वेज में हम कम्बिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो बट जो हम बताएंगे अभी, इसमें ऐसे कंसेप्ट है कि ये यूज़ होते हैं, फिर कम्बिनेशंस में आगे इनके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो इसमें हम जैसे ये देखिए, ये आपका डेटाबेस का जो मेन टेबल है ना, यहाँ से डेटा मुझे इस वाले टेबल में फेच करना है। जैसे ये कोड है, जैसे हम कोड टाइप करें तो यहाँ पे अपने आप आइटम नेम आना चाहिए। आइटम नेम किस में से उठेगा, वो इसमें से पिक करेगा। यहाँ 555 है, 555 के आगे कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कैप टाइप होगा, और कैप का रेट कितना है 250, यहाँ पर अपने आप 250 आना चाहिए। बाकी तो ये वाली कैलकुलेशन तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी क्वांटिटी और रेट का, तो आपका इसका शो कर देगा कि कोई प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हो तो इसका टोटल कितना आता है, सिर्फ एक कोड डालने से। जैसे कि डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह या किसी भी हम उस जाते हैं तो उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, तो फंडा यही लगा होता है उसके अंदर। देखिए इसका बहुत ईजी प्रोसेस है, इसके अंदर हम जूम ऑन कर लेते हैं, चेक लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप। ये देख लिखते ही अपने आप आता है, टैब प्रेस करिए, टैब प्रेस करने से ब्रैकेट क्रिएट हो जाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो रखी है तो ये हाइड हो गया, बट आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये शो कर देगा E8, ई कॉलम में, 8th रो में जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके किस टेबल से मैच करेगा, इस टेबल से। अभी देखिए सेलेक्ट करने पे टेबल की रेंज आ रही है, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। एक तो होता है टेबल रेंज के थ्रू, एक होता है टेबल को फिक्स करके, और एक होता है टेबल को नेम देके। कोमा इस वाले टेबल में ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये 3 है। ऐसा नहीं कि ABC में लिखा है तो ही कॉलम 1, 2, 3। अगर ये वाला टेबल मेरा यहाँ पर भी होता, के एल और एम में भी होता, तब भी ये खुद के जो रेंज है, रेंज के हिसाब से ये कॉलम 1 है, 2 है, 3 है। तो इसलिए अगर मुझे इसमें से ये सेंटर वाला सेकंड चाहिए तो मैं सेकंड टाइप करूँगी, ठीक है। और ये 0 होता है पर ट्रू का, 1 होता है फॉल्स के लिए। 0 में आपको टाइप करना है ट्रू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू मैच कर जाएगी वही आएगी। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए 555 में कैप आ गया। मैं इसको चेंज करके 444 कर देती हूँ, इसमें टाई शो कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए वो डेटा, अगर मैं रॉन्ग टाइप कर दूँ, 222 कर देती हूँ, ये आपका मैच नहीं करेगा, मतलब आपने जो कोड है वो वैलिड नहीं लिया है, ठीक है। अभी हम रेट निकालेंगे इसी प्रोसेस से, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग कोड यूज़ करे हैं, ठीक है, सॉरी। और ये देखिए, अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ यहाँ पे, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा आपका ड्रैग हो रहा है, यहाँ तक ड्रैग हो रहा है। बट अगर इस कोड में मैं टाइप कर देती हूँ, ये देखिए, हाँ, इस कोड में हम यहाँ पे 222 कर देते हैं, यहाँ पे 111 कर देते हैं। देखिए यहाँ ये मैच नहीं कर रहा है, अगर मैं 111 यहाँ करती हूँ तो यहाँ पे शो करता है, यहाँ क्यों नहीं शो कर रहा, बिकॉज जब हम यहाँ पर सेल है, इसमें रेंज यदि देख रहे हो, ये रेड हो रही है, ये वाला पोर्शन, ये रेंज है, इसमें शो कर रहे हैं, रेंज भी डाउन हो गई हल्की सी, नीचे का सेल उठा लिया उसने, ये देखिए नीचे 15 तक पहुँच गया। एंटर किया, F2 दबाया, ये जो मेरा सेलेक्शन उठा रहा है ना, F2 से हो रहा है, ये देखिए, और दो सेल, यानी अगर मैं इसको ड्रैग करके यूज़ करूँ तो सेल भी ड्रैग होती जा रही है। इससे स्किप करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर F4 प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे लाइए F4, ठीक है। F4 क्या होता है, रेंज को फिक्स कर देता है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं पूरे डेटा को, ये देखिए हो गया कैच, कैसे कैच हुआ, ये आपका अभी भी वही रेंज है,
ये भी अभी ये वहीं पर है, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस हो गया। अगर आपने बहुत सारे अलग अलग टेबल यूज़ कर रहे हैं और उन टेबलों में आप भूल जाते हैं कि ये टेबल कौन सी है, ठीक है, आपको मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या फिर F2 से यूज़ करना पड़ेगा, बहुत बड़ा डेटा बेस है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस पूरी टेबल को हम नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए पहले टेबल को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर में जहाँ इसका सेल का एड्रेस का नेम आता है, इसको हम मिटा कर यहाँ पर इसका टेबल का नाम दे देते हैं। जैसे कि इसका टेबल का नाम हमने दे दिया आइटम्स, ठीक है, लिस्ट, ऐसे। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए, अच्छा ये बोल रहा है कि हमने वैलिड नाम, मैंने ना डैश यूज़ कर दिया तो शायद इस वजह से वो शो कर रहा है। तो कभी भी आप टेबल का नाम जो देते हैं तो इस टाइप से दीजिए, ताकि वो मैच, मतलब कोई हम अलग से कुछ यूज़ ना करें, जैसे माइनस वगैरह मैंने यूज़ कर लिया कि उसको गैप देने के लिए, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं आइटम, और अंडरस्कोर यूज़ करके देखते हैं, लिस्ट, देखिए एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये ऐसे तो एक्सेप्ट हो रहा है, अब मैं इससे बाहर आ जाती हूँ, ठीक है, जूम आउट कर दिया हमने। अभी देखिए ये हमारा F2 प्रेस किया, ये रेंज है ना, इस रेंज को हम मिटा देते हैं, ओके। हमने क्या लिया था आइटम, ये देखिए जब हम आइटम लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये आपका नीचे से ऐसा शो कर देता है, ये तो पूरा दिखा रहा है आपका क्या क्या यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, किस तरीके से किस इस सीक्वेंस में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। और ये जो बॉटम में देख रहे हैं ना, ये आपका दिखा रहा है इसका नाम। अगर इसकी जगह मैं कुछ और लिखती हूँ ABC कुछ भी, तो नहीं पिक करेगा। IT करते ही अब इसको आप टैप प्रेस करोगे तो पूरा टाइप होगा, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद भी आपका ये डेटा शो कर रहा है। ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर हमें F2 उसकी रेंज को सेलेक्ट करने की या F4 प्रेस करके यूज़ नहीं करना पड़ा कि हम इसे फिक्स करें, क्योंकि हमने टेबल का नाम ही फिक्स कर दिया। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, देखिए, ठीक है, पूरा टेबल आपका यूज़ हो रहा है, चेंज हो गया। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये फार्मूला लगाएंगे इस वाले कॉलम के लिए। तो इस फार्मूले को आप समझ गए होंगे, सिंपल सा VLOOKUP का है। इन चार चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि क्या पहले लगाना है, क्या बाद में। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, आइटम कोड दोनों में कॉमन है, इसलिए फर्स्ट जो हमारा सेल है वो E8 आइटम कोड है। कभी कभी स्टूडेंट E8 में इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसका जो लिंक है ना, इस वाले खुद के टेबल का आंसर भी मैच कर जाता है, आ भी जाता है कभी कभी, क्योंकि वो डेटा उससे कैच कर रहा है। बट एग्जैक्टली ड्रैगिंग पे या फिर बहुत जो डेटा है एग्जैक्टली जो आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आता। तो इसलिए इस टेब जो ये इसका फॉर्मूला है, इसमें फर्स्ट होता है खुद की टेबल का डेटा, सेकंड है सेकंड टेबल जो हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस वाली, और ये है सेकंड टेबल का कौन सा कॉलम है, और ज़ीरो आपका ट्रू के लिए होता है, ठीक है। तो यही स्टेप हम यहाँ चलते हैं, लिखेंगे VLOOKUP। ये देखिए फर्स्ट अभी बताया था आपको, इसको सेलेक्ट करिए। इसमें कुछ भी हो सकता है कोड जो इसके अंदर हो, अगर इससे मिलता जुलता नहीं होगा तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। अभी हमने रेंज सेलेक्ट करते हैं, देखो मैंने आइटम लिखा था, मैं रेंज करती हूँ तो ये अपने आप ही जो टेबल का नाम है वो पिक कर लेगा, ठीक है। अगर आप रेंज एक्स्ट्रा सेलेक्ट करोगे तो टेबल का नाम नहीं आएगा, रेंज करोगे तो ये अपने आप ही टेबल का नाम कैच करेगा। अभी मुझे थर्ड वाला कॉलम चाहिए, क्योंकि थर्ड वाले में ही हमारा जो है रेट लिस्ट है। देखिए 222 में शर्ट है, 750 का ये शो कर रहा है। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। अब इसको हम ड्रैग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, ठीक है, प्राइस आ गया, हम इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब टोटल के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना भी आपका ये है प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कितनी क्वांटिटी से है। आप क्वांटिटी पहले लिख सकते हैं, प्राइस बाद में लिख सकते हैं, जैसा भी है, बस मल्टीप्लिकेशन होने से मतलब होता है। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से बिल आपका क्रिएट हो गया। इन सब का टोटल करना है, ऑल्ट इजिकल टू प्रेस कीजिए, सम हो जाएगा, ये आपका ऑटो सम आ गया, ठीक है। इस तरीके से बिल क्रिएट हो गया। यही वर्क अगर आपको दूसरे वे में दिया, ये तो हो गया VLOOKUP। अगर यही वर्क आपको घुमा के दिया, यानी कि रो वाइज दिया, ये देखिए इस टाइप से, ये तो हो गया आपका कॉलम, और डिटेल्स की हेडिंग इस रो वाइज है, और इस टाइप से इसका पूरा डेटा है, ठीक है। कॉमन क्या होता है, इसमें आइटम कोड है, इसमें आइटम कोड ऐसे है,
ये आइटम कोड है, इसमें आइटम कोड है, ठीक है। तो अब इसको, इस प्रोसेस को भी देखते हैं। तो इस पोर्शन में जो टेबल है हमारी, ऐसे सेलेक्ट होगी इस टाइप से। टेबल का नाम आपको बताया, यहाँ दीजिए आइटम लिस्ट टू, ठीक है। ये हम एंटर कर, एंटर करते ही ना यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हो गया सेव, आपको कुछ नहीं करना। अगर एंटर करने के बाद भी अगर वो वापस जो भी इसका सेल का रेंज है वही दिखा रहा है, तो मतलब वो या तो ऑलरेडी किसी और नाम से सेव हो रखी है, आप हमने नाम देने में मिस्टेक कर दिया। जब भी हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे ऊपर नाम शो करेगा। दूसरा प्रोसेस चेक करने का होता है एज इक्वल टू उस नाम को टाइप करो। तो एक मिनट, LIST एक आइटम है ना, हाँ आइटम, ये देखिए नाम टाइप करने में मिस्टेक कर देते हैं हम, तो ये ऐसे करते ही रेंज दिखा देता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम प्रोसेस चेक कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, एच लुकअप लगाना है। वी लुकअप आपका वर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल होता है, एच लुकअप आपका जो सॉरी वी लुकअप वर्टिकुलरली आपका मैपिंग करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टली मैपिंग करता है, ठीक है। कॉलम वाइज हो गया वी लुकअप, एच लुकअप आपका रो वाइज हो गया। आप लगाएंगे एच लुकअप, फर्स्ट आपको बताया था इसी सेल को यूज़ करना है, सेकंड आपका आइटम लिस्ट, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा उस लिस्ट का सेकंड रो, और उसके बाद ज़ीरो ट्रू फॉल्स के लिए। ये देखिए आपका आंसर आ गया 555 में आपका क्या है, कैप, ठीक है। अभी इसी प्रोसेस से हम निकालेंगे इसका प्राइस। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं क्या एक आइटम कोड पर, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर देती हूँ, आइटम लिस्ट ले लेती हूँ, ठीक है। जो ये ऊपर वाली है ना, ये वाली, ये ले लेते हैं। तो देखिए आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। थर्ड, थोड़ी मिस्टेक करके भी सीखना चाहिए चीज़ों को। ये देखो नॉट एप्लीकेबल, यानी उसे आइटम थ्री में जो है ये जो ये वाली हो गई, ये उसके लिए हेडिंग हो गई, इस हेडिंग को ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि इस हेडिंग के हिसाब से डेटा ऐसे चल रहा है इस टाइप में, ठीक है। तो अगर जब तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अभी हम यूज़ करेंगे अपनी नीचे वाली वापस टेबल, ये वाली, ये देखिए एक मिनट, ये नाम जैसे ब्लू नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब आपका जो है मैच नहीं हो रहा, जब तक ये, हाँ LIS स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, ये देखिए गॉट इट। बाकी सिंपल है, कैलकुलेशन करिए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल, ये आपका आ गया, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रोसेस। अभी हम आपको सिखाएंगे, डेटा तो मेरा इसी शीट में है, ओके, बट अगर कभी कभी आपको दो शीट्स में वर्क करना पड़े, जैसे कि एक शीट ये है दूसरी शीट ये है, सेम डेटा हमने लिया है और इस सेकंड शीट में लिया है, ओके। एक ये जो शीट्स होती है ना, 1, 2, 3 अलग अलग ऐसी ऐसी बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से जब पूरा हमारी ये जो फाइल सेव होती है, इसको बोलते हैं वर्कशीट। तो एक जो पूरी वर्कशीट होती है ना, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से बन रही है, तो एक पूरी वर्कशीट में अलग अलग शीट्स के हम नाम अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने इसको नाम दिया आइटम लिस्ट, ठीक है, इसको दिया आइटम लिस्ट टू। अगर अब मैं इसको चाहती हूँ आइटम लिस्ट देना, तो ये देखिए मैं यहाँ टाइप करती हूँ आइटम लिस्ट सेम स्पेलिंग के साथ, एंटर, कैच, एक मिनट, हमने मिस्टेक ये सेलेक्ट किया, ओहो हमने यहाँ पे LITS कर दिया था तभी, ये हमारी आइटम लिस्ट ये करेक्ट स्पेलिंग के साथ हुई है। अगर मैं इसको उसी स्पेलिंग से करूँ जो हमने प्रीवियस यूज़ की है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है उसमें, LITS, ठीक है, एंटर किया, तो ये फर्स्ट सेल जो फर्स्ट शीट होगी वहाँ पे आके अपने आप रुक जाएगी। यानी एक जो नाम आपने मेंशन किया है उसको दूसरे में नहीं दे सकते। अगर मैंने इसमें दे दिया ये, तो ये आपका जो होगा इसका नाम होगा। अगर जैसे मैंने देखो इसका नाम दिया, ये लिस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको हमें चेंज करना है। अब वो प्रोसेस समझा देते हैं। फॉर्मूले में जाएंगे, यहाँ होता है नेम मैनेज, ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखो ये तीन हमने बनाए हैं अभी, आइटम लिस्ट ये जो हमारी सेकंड शीट में, और ये वाली स्पेलिंग गलत है, इसको एडिट करते हैं यहाँ पर, इसको मिटाकर जो भी हमें मिस्टेक लग रही है मैंने इसको 1 कर दिया, तो क्योंकि आइटम लिस्ट से ऑलरेडी बना चुकी है। अगर मैं ऐसे करके ओके करूँगी, ठीक है, ये देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कैच करेगा, तो मैं इसको 1 कर देती हूँ, क्योंकि उसको हम अलग रख रहे हैं, इसको अलग रख रहे हैं,
ये हमारी अलग यूज़ है और ये वाली अलग शीट में यूज़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले शीट में मैं थोड़ा सा उसमें ना चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें हमने जो आइटम्स रखे स्टेशनरी डाल देते हैं, जैसे मैंने बुक डाल दिया, ठीक है, और ऐसे डाल देते हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है, नीचे का छोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ तक ही यूज़ करेंगे इसको। अभी हमने क्या किया, इस वाले में आप चेक करेंगे लिस्ट वन है, मैं इसको लिस्ट कर देती हूँ। अभी चेक करते हैं हम वो लिस्ट यहाँ से पिक करेगी क्या, ठीक है। ये एक्चुअली हुआ क्या है, मुझे यहाँ दिख ही रहा था कि ये मिस्टेक है, ये देखो LITS है ना, पहले तो इसको ठीक करते हैं। जब तक ये ना ब्लू नहीं हो जाता टाइप करने में, जो भी कलर है इसका वो नहीं आ जाता, तब तक ये मतलब सही नहीं है। ये देखिए पेंसिल आ गया, ये कहाँ से पिक किया, ये इस वाले कोड से यहाँ से पिक किया है, ठीक है। बट जो अब ये प्राइस दिखा रहा है ना 750, ये प्राइस इसका है, यानी इतना पोर्शन इसका इस शीट से यूज़ हो रहा है और ये वाला पोर्शन आपका इस शीट से यूज़ हो रहा है। तो समझ रहे हैं ना कि आपको दूसरी वर्कशीट या दूसरी उसमें यूज़ करना है तो आप किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। वैसे तो हमने नाम दे दिया, अदरवाइज़ अगर नाम नहीं दिया है तो थोड़ा सा माउस को ड्रैग करके खींच के वहाँ तक लेके जाएंगे, अभी तो नाम कैच कर लेगा आपका। यहाँ इस लिस्ट में गए, यहाँ पर पिक करते हैं, देखिए ऊपर देख रहे हैं आप, नाम दिखा रहा है इसमें, ये देखिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ से लेकर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आइटम लिस्ट दिखा रहा है। बट अगर मैं एक्स्ट्रा सेलेक्शन ले लेती हूँ इसका, इसको जूम आउट करते हैं, इसका सेलेक्शन एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, तो ये क्या शो करता है आपका, ये शो करता है लुकअप टू शीट। लुकअप क्यों दिखा रहा है ये, कि मैंने इस फाइल का जो नाम लिखा है लुकअप है, ठीक है, तो लुकअप टू शीट यानी सेकेंड वाली शीट में से ये वाली रेंज उठाई है। तो ये इसकी खुद की अपनी अकॉर्डिंग होती है कि किस तरीके से उसको पिक करेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसको इतना यूज़ करना है, तो ये अभी शीट वीट का कुछ नाम नहीं देगा, सिंपल रेंज देगा, तो बहुत ईजी होता है। आप उस चीज़ को यूज़ करते हो बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको हो गया एक शीट से यूज़ करना, दूसरी शीट से यूज़ करना। अभी क्या है कि एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे यूज़ करते हैं। मैं एक्सेल की एक और दूसरी फाइल खोल देती हूँ, चेक करते हैं ओपन है नहीं है, ओपन नहीं है। उस फाइल से हम डेटा पिक करेंगे, ओपन, ये हमने इसमें थोड़ा डेटा, ये देखिए इस फाइल का नाम है VLOOKUP EXAMPLE 2 और इस फाइल का नाम है VLOOKUP EXAMPLES, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये शीट ही बिल्कुल, ये फाइल ही बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है। इस टाइप से देखिए, इसको हम अगर रेंज को सेलेक्ट भी करें ना तो यहाँ कोई नाम नहीं है इसका, ठीक है। तो चाहे तो इसको हम नेम दे सकते हैं, तो पहले बिना नेम के इसको फैच करते हैं, फॉर्मूला में यहीं पर ट्राई करते हैं। अभी इसको ऐसे मिटा दिया, ठीक, यहाँ कर्सर है जब तक, उसके बाद माउस यहाँ ला के इसको ड्रैग करिए, ठीक है। ये जो मैं एक शीट से दूसरी शीट में जंप कर रही हूँ, ये इसका शॉर्टकट होता है ओल्ट दबा के रखिए और टैब दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। देखो इसको करने के बाद ना ये इस टाइप से आपका पूरा दिखा रहा है VLOOKUP EXAMPLE, फाइल का नाम आया है, डॉट उसका एक्सटेंशन आया है, फिर उसकी शीट आई है, फिर उसकी रेंज आई है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, एंटर करेंगे वो आपका शो कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हम, ताकि हमें पता चले हमारी कौन सी शीट से निकल रहा है डेटा। ये हम ऐसे रफली बना लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए आगे ना ये सेकंड आपका ये अनदर शीट से निकला है। अभी हम इसको ना नाम दे के देखते हैं, और आइटम लिस्ट, मिस्टेक हो गई टाइपिंग, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कैसे यूज़ करेंगे इसको, वापस देखते हैं कि अगर नेम देने के बाद ये किस तरीके से इसको कैच करता है। मिटा देते हैं इसको, ठीक है, इसको हम यहाँ लेके यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो देखो जो अभी रेंज आ रही थी ना, ये देखिए ये, हाँ इसमें हमने सेम नाम ले लिया, आइटम लिस्ट लिया है, बट ये आइटम लिस्ट किसकी है, दूसरी फाइल की है और इसका एक्सटेंशन ही है,
ठीक है, तो एक ही फाइल में अलग अलग जो शीट्स होती हैं उसमें हम सेम नाम ये नहीं यूज़ कर सकते, बट अलग फाइल है तो उसमें हम सेम नाम यूज़ कर सकते, इसलिए हमने सेम नाम लेके आपको दिखाया है ताकि आपको भी डाउट ना रहे। ठीक है, इस तरीके से हमने अलग अलग जो शीट्स हैं उन पे ये अप्लाई किया है। इसके बाद हम चलते हैं, ये जैसे कि एक सेल में हम वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि वो ड्रैग होके दूसरे में भी जाए, तो एक तो प्रोसेस यही हो गया, आप जो भी टेबल का नाम है उसको रखिए, वो फिक्स होके अपने आप ही वो कैच कर लेता है। ठीक है, तो इसमें भी वो सेल आपका कवर हो जाएगा। फिर होते जैसे कि आप कोई कॉलम यूज़ कर रहे हैं, अभी हम दूसरी शीट पे चलते हैं, इस वाली एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे कि वी लुकअप में जैसे कॉलम एंड रोज को नंबर की तरह कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइक हमने यहाँ पे ये नंबर डाला, रोल नंबर, यहाँ इसकी पूरी डिटेल आ जाए और वो हम ड्रैग ऐसे करें तो ड्रैगिंग के थ्रू भी ऑटोमेटिकली कैच करें। तो नॉर्मली इसको चेक करेंगे हमें कौन सा हमारा कॉलम है, इज इक्वल टू कॉलम जैसे हम टाइप करते हैं तो हमारा उसका ये नंबर शो करता है कि ये कॉलम टू है, ऐसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा कॉलम थ्री है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, कॉलम टू अगर इसी रेंज में उठा रहा है तो आराम से वर्क करेगा। ठीक है, बट अगर हम इस पूरे को यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ रख देते हैं और तब डेटा चाहिए, अभी हम इसको कॉलम को चेक करते हैं और आपका ये देखिए ये कॉलम 11 है। ठीक है, तो 11 है और मुझे यहाँ पर चाहिए 2, तो यहाँ पे अगर 11 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा। तो इसको जो यूज़ करना है ना, देखिए मैं इस इक्वल टू करती हूँ इसको माइनस 9, तो जो ये 2 आंसर है 2 यूज़ करना है। फिर इसके बाद अगर हम इसको ड्रैग करें तो उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर भी शो करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम इसको क्या करते हैं, टेबल को नाम देते हैं। मुझे टेबल का नाम देना बहुत अच्छा लगता है, इजी लगता है, क्योंकि हमें बार बार रेंज पर नहीं जाना पड़ता। मार्कशीट नाम से हम इसको टेबल को दे देते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है, वी लुकअप लगाएंगे क्योंकि कॉलम वाइज हेडिंग है दोनों, इसको लिंक करेगा फर्स्ट इससे दूसरे टेबल को। ठीक है, मार्कशीट नाम से हो गया। अभी इसका मुझे नेम क्या है, सेकेंड कॉलम में 2 दिया, 0 दिया, एंटर, यहाँ तो ये ठीक है, ओके वर्किंग है। इसको हम ट्रैक करके देखते हैं, देखिए यहाँ तो ठीक है वर्किंग है, पूरा आ रहा है, बट ये जो 2 है ना इसको भी हमें फ्लेक्सिबल करना है, 3 आ जाए अपने आप पे, 4 आ जाए, 5 आ जाए। इसके लिए तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये 2 लगाए ना, अभी हमारा आंसर कैसा आया था, कॉलम के थ्रू, कॉलम एक खुद कॉलम का रेंज क्या है आपकी, ये है 9 नहीं कितना 11 था, सॉरी, हाँ हम इसको माइनस करेंगे 9 से। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा आंसर मिल गया, ट्रैक करके देखते हैं, ये शायद समथिंग कुछ मिस्टेक हुई है मार्कशीट। अच्छा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने J2 को फिक्स नहीं किया, यहाँ तो ठीक है, ये देखिए ये K2 आ गया, ये इसको ले रहा है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो फर्स्ट वाला है ना J2, F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देना है। देखिए मैं डॉलर ये इसको जूम इन करके दिखाती हूँ, इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, बहुत ईजिली आपका ये वर्क कर जाएगा, जो भी आपके मार्क्स है यहाँ पर ये इसके सुमित के, वो यहाँ ऑटोमेटिकली ड्रैगिंग के थ्रू यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप रो वाइज करना है तो रो वाइज कर सकते हैं, ये कॉलम वाइज यूज़ हुआ है भी, तो कॉलम एंड रोज में अपने आप इसके कॉलम और रोज के नंबर होते हैं, उनमें माइनस प्लस जैसे भी आपको यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम आपको सिखाएंगे नेस्टेड वी लुकअप। ठीक है, मतलब वी लुकअप के अंदर वी लुकअप कैसे यूज़ होता है, कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास है एक जो है टेबल, उसमें हमारे पास रोल नंबर और नाम है। ठीक है, और दूसरी जो टेबल है उसमें हमारे पास नाम के साथ मार्क्स है। अब हमें पता है जो नाम है किसी से सिमिलर नहीं है, सब अलग ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि रोल नंबर के हिसाब से कैसे वो करेंगे। जैसे अमित है, सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आने वाली, अमित का है ये रोल नंबर है। एक तो प्रोसेसर की पूरे के पूरे सीक्वेंस है तो उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, बट अगर ये सीक्वेंस में नहीं है दिस वन, तो वर्क कैसे करेंगे कि इसका यह अमित का शो कर दे यहाँ पे जे। ठीक है, और ये इस टाइप से ये यहाँ शो कर दे, तो इन दोनों टेबल को इस वाले टेबल में हम इंक्लूड कराएंगे, किस बेस पर, रोल नंबर के बेस पर, रोल नंबर तो यहाँ है पर इसका ये वाला डेटा यहाँ कैसे आएगा।
ठीक है। देखिए मैं इसमें पहले आपको बताने के लिए टाइप किया हुआ है, क्या करना है आपका एक वीलुकअप लगेगा सिंगल। देखो पहले इजी वे में इसको समझाते हैं, एक वीलुकअप ये इसको भी सिलेक्शन को अभी भूल जाइए, ठीक है। इसको हम यहाँ से आपको कॉपी करके इसका पहले अलग से आंसर दिखाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अभी हमने क्या किया है ये, ओके अभी हमने क्या किया है ये लिया है, देखो इस वाले वीलुकअप में इसको मैच किया है और इस पूरे टेबल का डेटा निकल के आ गया। क्या आ गया, ये नाम आ गया, ठीक। अब इस नाम को हम जो यूज़ करेंगे इसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हिंदी है, हिंदी के लिए क्या यूज़ करेंगे, वही सेम वीलुकअप का फॉर्मूला मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अभी तक वीलुकअप जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे और इसमें इसी पे लिंक करेंगे, बट इस वाले टेबल में हिंदी निकालना है और इस पे लिंक क्यों करेंगे हम, लिंक तो इस पे करेंगे ना, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा मेरा है ये निकल के आया है इसमें इसके बेस पे, यानी इससे। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो ये वाली है ना अपनी डेटा, ठीक है, उसको जो लुकअप है पूरा ये लेंगे, क्योंकि ये आपका है ये वाला पोर्शन और ये निकल के आया यहाँ से, समझ में आए ना। फिर हम लेंगे इसके अंदर आपका सेकंड टेबल का रेंज, इस वाले टेबल का ये वाला रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका टू कॉलम, फिर ये ज़ीरो, ये देखिए कहीं कुछ ब्रैकेट वगैरह में शायद मिस्टेक हुई है, एक ब्रैकेट क्लोज दो ब्रैकेट क्लोज, वीलुकअप ओके, हाँ डबल हमने यहाँ पे कर दिया ना, तो कॉपी पेस्ट की वजह से हो गया। ये देखिए आगे ना 50 मार्क्स ये अमित के ये। तो देखिए ये हमने क्या लगाया है, जो ये आंसर ये वाला आ रहा था ना, इस वाले को बीच वाले से हमने फैचअप किया था, ये सिर्फ इसमें से उठाया इसने, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इसको रेंज करेंगे ड्रैग करेंगे तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने फिक्स नहीं कर रखी। अगर इसको फिक्स कर लेते हैं तो ये इजीली, तो देखो फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे D18 ने ये वाले रेंज है दूसरी फर्स्ट टेबल की, ये सेकंड टेबल की है, तो इन सबको क्या फर्स्ट टेबल भी मेरी फिक्स करनी है, ये भी फिक्स करनी है और ये भी फिक्स करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये रहेगा टू की जगह थ्री आएगा, तो फिर आप इसमें कॉलम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बहुत ही ईजी वे में निकल जाएगा, तो आप इसको ट्राई करिए। बाकी सब्जेक्ट्स आप निकालिए, देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ थोड़ा सा जूम इन करके, ये फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक वी लुकअप है, उस वी लुकअप में ये वैल्यू आपकी हो गई ये खुद की वैल्यू टेबल की, और ये वाली हो गई सेकंड टेबल और उसका सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले वी लुकअप पर। देखो इसमें क्या है आपका, जैसे हमने ऑलरेडी डाला हुआ है तीन टेबल है हमारे पास, ठीक है। ये एक कोई मतलब ब्रांड का है, ये दूसरे ब्रांड का हो गया, ये तीसरे ब्रांड का हो गया, और सभी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, ठीक है। किसी का प्राइस जैसे यहाँ पे ए का प्राइस इन्होंने 100 रखा है, यहाँ पे इनका थोड़ा सा हाई है 353 हो गया, इनका थोड़ा मीडियम है 252 हो गया। अब जैसे कि अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं लेकिन कोड सबका डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या एक तो प्रोसेस ये कर सकते थे, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, बट वो क्या है मिक्सअप हो जाते हैं। हम अलग अलग हमें टेबल में लिया, अलग अलग जो ब्रांड्स के जो है प्रोडक्ट मिले हैं, अब उन्हीं में को हम अलग अलग को ही एक ही में मिक्स करते हैं। मिक्स कैसे करेंगे कि सिर्फ हम कोड डाले, जैसे कि अगर मैंने कोड डाला 127, एंटर करते ही ये आपके पास 547 का जी है, जी में आपका 547 आ गया। यहाँ पर प्रोडक्ट का अमाउंट आ रहा है, हम यहाँ प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आपका जो प्रोडक्ट है 1 2 कॉलम में, तो यहाँ आपने देखो करना क्या है, सबसे पहले तो ये 3 है ना, हम इसको 2 करते हैं पहले, इस दिशा में देखिए 127 में आपका जी है, ठीक है। जी है लेकिन कौन सा जी है, ये जी वाला है, ये वाला है या ये है, तीनों एक ही रो में आ रहे हैं फिलहाल, बट इनका कोड अलग है। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल है, इस पूरे फॉर्मूले को समझना है। वीलुकअप अगर जो भी ये वाली रेंज ये है 127 जो भी लिखा है,
लेस देन इज इक्वल टू 1110, अगर ये 110 यहाँ तक 110 आ रही है, इसमें हमें कोड को थोड़ा सा अपने हिसाब से वो देखना पड़ेगा किस रेंज के अंदर आ रहा है वो, मतलब 101 से 110, तो आप इस वाले रेंज को सेलेक्ट करें, ठीक है। इफ़ 116 से कम है, सॉरी 116, हाँ सॉरी F16 जो है 120 से कम है ये वाला, तो आपकी ये रेंज सेलेक्ट होगी। ऐसे ही F16, ये F16 ही रहेगा क्योंकि ये वाला सेल आपको डेटा डालेंगे, तो यही आपका जस्टिफाई करेगा कि कौन सी टेबल में से उठाना है डेटा और यहाँ पर आपको रखना है, क्या रखना है उसका सेकंड कॉलम, क्योंकि सारे प्रोडक्ट सेकंड कॉलम में, ठीक। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पूरे को यहाँ से कॉपी करते हैं और आप यहाँ पर लाकर इसको F2 दबा कर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, आपका इजली होगा। बस करना क्या है, 2 की जगह 3 कर दीजिए, देखो कितना सिंपल है ना। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर देती हूँ 108, देखिए 108 ये वाला है, H है इसका, ये प्राइस है, एग्जैक्टली तीनों में से फैच करेगा कौन सा डेटा उसको पिक करना है और कौन सा ब्रांड का वो है। ऐसे हम बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इन टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही सेल में, ठीक है। तो देखिए आप इनको चेक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं एक चीज़ समझाती हूँ आपको, लिस्टिंग मैंने सिखाई थी लास्ट वीडियो में आपको, यहाँ पे जैसे हमको देखना पड़ रहा है कि कौन सा कोड है, आप चाहे तो इसको लिस्टिंग में डाल सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप जाइए डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करिए, जैसे आप कर्सर यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये रेंज पूछेगा, रेंज डाल दिया, ओके किया, ये देखिए आप जिस भी लिस्ट पर क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा चेंज होता जाएगा। कर से यहाँ रखिए, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो आप लिस्ट बना के भी इस पर वर्क कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी वीडियो को आप चाहते हैं कि आपके डेटा आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली बनाए, कि आपको जिसकी नीड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।